अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर आपको पता है ट्राइंगल सबसे पहले क्या होता है। ट्राइंगल ऐसी शेप होती है, ऐसी क्लोज शेप होती है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से मिलकर बनती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई नहीं करते। जस्ट लाइक मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये एक लाइन पे लाई करें, बट दिस पॉइंट इज़ नॉट लाइन ऑन दिस लाइन, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं। उसके बाद इसकी 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, और 3 एंगल्स होते हैं। साइड्स की बुनियाद पर इसकी 3 टाइप्स हैं, आइसोसेलस, इक्विलेटरल एंड स्केलन, जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे। और एंगल्स की बुनियाद पर भी इसकी 3 टाइप्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अलावा आपके पास होती है एक्यूट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब आइसोसेलस, इक्विलेटरल और स्केलन ट्राइंगल क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर आप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कि वो पॉइंट्स 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर वो उसी लाइन पे लाई करेंगे तो वो कहलाएंगे कोलिनियर, और अगर नहीं करेंगे तो वो नॉन कोलिनियर कहेंगे। जस्ट लाइक दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जी, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइंगल अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेंड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक क्लोज्ड फिगर बनती है। क्लोज जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मिल जाते हैं, इस कॉल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल की डेफिनेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, पेज नंबर 171। इफ लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, इफ लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी अगर ट्राइंगल में 3 साइड सेम लेंथ की हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल से निकला है, 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जस्ट लाइक ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें 3 साइड्स आपको इक्वल नज़र आ रही हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। उसके बाद है आइसोसेलस ट्राइंगल। एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच हैज़ 2 ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड सेम हो, तीसरी डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। जस्ट लाइक दिस ट्राइंगल, 2 साइड सेम, थर्ड डिफरेंट। फिर है स्केलन ट्राइंगल। आ ट्राइंगल कॉल्ड आ स्केलन ट्राइंगल इफ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, जिसमें 3 साइड्स ही डिफरेंट हो जाएं, उसे स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो वेदर द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलस ट्राइंगल। इसमें हमें ये बताना है, देखिए 1, 2, 3 पॉइंट्स आर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं या आइसोसेलस बना रहे हैं। इसके लिए आपको पता है आपके पास 3 पॉइंट्स को थे, पहले को पी का नाम दे दिया, दूसरे को क्यू का और तीसरे को आर का। फर्स्ट वन जो पॉइंट था उसमें x1 y1, अगर हम पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर को आप नोट डाउन कर लें। हमें ट्राइंगल्स इक्विलेटरल या आइसोसेलस प्रूव करनी है, साइड्स इक्वल हैं या तीनों या नहीं है। तो साइड्स पहले ले लेते हैं, एक साइड आएगी पी क्यू, फिर आएगी साइड क्यू आर और फिर आएगी पी आर। तो पहले पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब पी और क्यू का डिस्टेंस लेंगे तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट्स होंगे x1 y1 और ये सेकंड वाले होंगे x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 मेरे पास है 5 और x1 मेरे पास है -4, माइनस का फॉर्मूले का और ये वाला -4 मोड स्केयर प्लस y2 -y1 यानी 4 -1 मोड स्केयर, 5 + 4 का स्केयर प्लस 4 - 1 होता है 3, 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, 9 का स्केयर 81 और 3 का स्केयर 9 होता है 90 आ जाएगा। यानी पी क्यू साइड आपके पास 90 आ गई। सेम आपने क्यू आर साइड ले लेनी, क्यू 5
4 है और r 5 माइनस 2 है, x1 y1 x2 y2। सिमिलरली क्यू आर फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी जो थी उसके अंदर, और आपके पास इसका डिस्टेंस आ गया 36 का स्केयर रूट अगर ले लिया तो 6 आ गया। फर्स्ट डिस्टेंस आपका 90 का स्केयर रूट आया, दूसरा 6 आ गया। आपको ये तो बात क्लियर होगी दो साइड्स ही इक्वल नहीं आई, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कभी भी नहीं हो सकती। बाकी सेकंड ऑप्शन था आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड है स्केलर। तो अब चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस बना रही है या वो भी नहीं बना रही। आर और पी पॉइंट है, ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2 हो जाएंगे। एक बात पे गौर करना, मैं आर पी ले रही हूँ, पी आर नहीं ले रही, क्योंकि क्लोज फिगर है तो दोबारा हम किस पे आएंगे, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, ये x1 y1 है और ये x2 y2 हैं, -4 -5 मोड स्केयर प्लस 1 -2 मोड स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 3, 3 का स्केयर लेंगे 9 और 9 का स्केयर 81 90। लेकिन दो साइड्स आपके पास इक्वल हो गई हैं तो कौन सी ट्राइंगल होगी आपके पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर पी, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, शो वेदर द पॉइंट्स आर वर्सेज ऑफ फॉर्म अविद वर्सेज आर फॉर्म आ स्केयर। आ स्केयर इज अ क्लोज्ड फिगर इन द प्लेन फॉर्म बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्राइंगल थ्री थी, स्केयर फोर पॉइंट्स हैं, सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। ऐसे ट्राइंगल, ऐसे डायग्राम जिसमें फोर साइड्स 1 2 3 4 और चारों के चारों ही इक्वल हों साइड्स और एंगल साइड्स के मन बने 90 डिग्री का, उस फिगर को कहते हैं स्केयर। ट्राइंगल में थ्री साइड्स थी, स्केयर में फोर है। एक्चुअली में रेक्टेंगल में भी फोर होती है, पैरेललोग्राम में भी फोर होती है, बट स्केयर के अंदर चारों साइड्स फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये हमें प्रूव कर, मेरे पास फोर पॉइंट्स थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। पहले हम डिस्टेंस लेंगे ए बी का, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2, ठीक है 45 स्केयर रूट आ जाएगा। फिर हम मेरे पास है बी और सी पॉइंट है, ये x1 y1 ये x2 y2, बी सी डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 45। डिस्टेंस निकालना आपको मैंने एक्सरसाइज 9.1 में भी सिखाया, 9.22 क्वेश्चन नंबर 1 में भी। सी डी पॉइंट से लेंगे x1 y1 ये x2 y2, सी डी का डिस्टेंस ले लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से स्केयर रूट ऑफ 45। फिर डी ए पॉइंट्स ले लेंगे, उनका डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो उनका जो डिस्टेंस आएगा 3 आ जाएगा। हर डिस्टेंस को एक एक क्वेश्चन का नाम दीजिए, फर्स्ट ए डी ए बी को 1 का, बी सी को 2 का, सी डी को 3 का और डी ए को 4 का, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45। तीनों डिस्टेंस सेम थे, स्क्वायर रूट ऑफ 45, बट डी ए फोर्थ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू स्केयर टू 45 बिकॉज ये तो 3 आया। देयर फोर -4 1, 2 -2, 5 4 एंड -1 1 डू नॉट फॉर्म अ स्केयर, ये स्केयर नहीं बनाते। तो डायरी बच्चों आपके पास सी है कि जो मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हमने की, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, डिफाइन आपको याद होनी चाहिए और स्केयर की डेफिनेशन ये याद होनी चाहिए। इसी तरह कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड ट्राइंगल ये आपको याद होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।